हाय एवरीवन, कैसे हो माय दोस्त, मेरे डियर, मेरी फैमिली, सब कैसे हो? अच्छे हो ना? तो सीजन चल रहा है ठंडी का, अब दिसंबर चलने वाला है और यहाँ पे देखिए ठंडियों में तो कोई भी सामान मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे वो भजिया हो, चाहे वो केक हो या कुछ भी। तो ये केक हम कोई भी फेस्टिवल, कोई भी सेलिब्रेशन पर बना सकते हैं। फ्रूट्स केक बहुत ही टेस्टी, और हमारे घर बुज़ुर्ग लोग बाहर का केक खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे दादी नानी, तो ये केक उनके लिए है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एप्पल ले लिया है और सिर्फ एक ही एप्पल से मैं बनाऊंगी। आप चाहे दो चार एप्पल से भी बना सकते हो, इस तरीके से कोई भी फ्रूट्स डाल के आप बना सकते हो, सिवाय संतरा के, मतलब खट्टा वाला जो है, सिवाय संतरा उसको क्या बोलते हैं, वो मतलब थोड़ा खट्टा होता है ना, तो मिल्क, तो कोई नहीं, फिलहाल ट्राई करने में क्या जाता है। यहाँ देखिए, फ़िलहाल मैं अभी एप्पल पे आती हूँ। तो एप्पल मैंने आधा कट करके और एक चम्मच घी डाल के कढ़ाई में ब्राउन कर रही हूँ। और यहाँ पे दे दोस्तों, इसको ब्राउन करती हूँ, मतलब गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही हल्का सा सौंधापन करना है। और रीज़न ये है दोस्तों कि इसका मुझे डेकोरेट करने के लिए मैं रख कर रही हूँ इसको। और यहाँ पे आधा एप्पल देखिए मैं डाल दी हूँ मिल्क में, और मिल्क अच्छे अब से ग्राइंड करूँगी। और इसी में मुझे बिस्किट डालना चाहिए था, लेकिन मैं बिस्किट भूल गई, अलग से डालूँगी अभी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आधा एप्पल ले लिया है, दूध ले लिया है, और आए एक बाउल शक्कर ले ले रही हूँ, इसी में ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। तो ये बैटर जाएगा अभी इस केक में। और दोस्तों, इसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं और इधर देख लेते हैं हमें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ, और यहाँ पे देखिए ये मेरा फ्रूट शेक बन के रेडी हो गया है। इस तरीके से आप फ्रूट शेक भी बना सकते हो, कोई भी फ्रूट को ऐसे पीस के, वो भी मिल्क में। तो बहुत ही कम शक्कर डालना था आपको, लेकिन मुझे केक, क्योंकि इसमें मैं मैदा और सूजी भी डालूँगी, इसीलिए मैंने शक्कर ज़्यादा लिया है ताकि मीठा भी रहे। और थोड़ा सा देखिए, चार चम्मच मैं शक्कर इस फ्रूट्स में डाल दे रही हूँ, जो मैंने एप्पल कट करके थोड़ा सा इसको फ्राई कर रही थी। दोस्तों, वीडियो मेरा पूरा देखते हो आप लोग तो नहीं, मुझे ये पता है, बट लाइक कर दिया करिए, और आपके एक लाइक से मेरी ज़िंदगी सुधर सकती है, मेरी ज़िंदगी मतलब ये मेरी वीडियो आगे जा सकती है, और आपके एक लाइक से ही। तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपके जेब से नहीं जाता है, सिर्फ आपकी अंगुली थोड़ी दबाने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने 3 चम्मच डाल दिया है मिल्क शेक, यानी एप्पल शेक उठा कर इस शक्कर में, क्योंकि शक्कर दाना थोड़ा बड़ा था, और आप अगर शुगर पाउडर लेते तो फट से गल जाता, यानी कि सिरप बन जाता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा बड़ा दाना था ना शक्कर का, तो इसीलिए मुझे 3 चम्मच डालना पड़ा। फिलहाल मेरा गाढ़ा हो गया है। दोस्तों, इसी में डालेंगे मैं मलाई। मलाई से क्या होता है दोस्तों, बहुत ही शाइनिंग आ जाती है, और जब ऊपर लेयर करेंगे ना डेकोरेट के लिए, मैं ये चीज़ें डेकोरेट के लिए बना ही रही हूँ। तो यहाँ पे ना मलाई, और हाँ थोड़ा सा मैंने उस इस ये जो मलाई है, 1 से 2 चम्मच आप डालो फ्रेश मलाई, जो दूध के ऊपर होता नहीं है साढ़ी मलाई, जिसको जिसके यहाँ जो भी बोलते हैं, तो वो आप ऐसे आप चलाते रहो। तो इसका जो फ्रूटी है ना, ये जो एप्पल के जो गूदा है, तो इसको गूदे को थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ा अलग कटोरी में निकाल के रखूँगी, क्योंकि ये डेकोरेट करना है। इतना मैंने निकाल लिया है गोला गोला, क्योंकि ये वाइट एकदम वाइट, जब भी मुंह में डालेंगे ना कोई भी वाइट तो वो हमको बहुत ही मतलब ऐसे मुँह में जाएगा ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो सिरप मतलब सीरा जो बचा हुआ है, तो इसमें फूड कलर डाल देते हैं चुटकी भर, और क्योंकि कलरफुल होता है तो बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं, तो आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों, सिर्फ मतलब जान लीजिए एक दाल के बराबर से भी कम डालना है फूड कलर, और कलर इतना मस्त आ जाता है पूछिए मत। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरा हो चुका है ये एकदम फ्रूटी कलर, बिल्कुल ऑरेंज येलो। और अब चलिए मेजरमेंट कर लेते हैं केक का, जिसे हम बनाएंगे। यहाँ पे 1 कटोरी भर के मैंने ले लिया है मैदा, यानी कि आप समझ रहे होंगे, तो मैदा मैंने ले लिया है, और एक उससे थोड़ी सी छोटी मतलब आधी कटोरी मैंने ले लिया है, 1 कटोरी से थोड़ा कम, 2-4 चम्मच कम होंगे सूजी। और आप इतना जान लीजिए, जितना सामान ले रहे हो उसका दो गुना आपको दूध डालना है, और इसके बाद मिक्स कर देंगे अच्छे से। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसी में डालना है हमको
मतलब आप शाल के पहले से ही लीजिएगा, चालने पे क्या होता है फ्लफी होता है, और चाहे तो आप ऐसे ही चाल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मेरा हो चुका है। अब इसमें मैं जो मैंने मिल्क और बनाना शेक मैंने ग्राइंड किया था, अब वो मैं अच्छे से कर दूँगी, इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे सारा मिला देना है। अब सूजी और मैदा मैंने ले ही लिया है, आप लोग देखा है, तो मैं मिल्क डाल के मिला रही हूँ। यानी मेरा 1.5 ग्लास लगभग मिल्क लग गया था। यानी आपके पास अगर मिल्क ना हो तो आप पानी भी का प्रयोग कर सकते हो, तो 1/2 ग्लास दूध और 1 ग्लास पानी। तो यहाँ पे देखिए 6-7 बिस्किट है पार्ले, तो इस पार्ले बिस्किट को भी मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी और पार्ले बिस्किट में डालूँगी, या फिर थोड़ा सा दूध डाल के, नहीं तो पानी डाल के आप कर सकते हो। यहाँ ग्राइंड मैंने कर दिया है, तो ये देखिए गाढ़ा, और ये मान के चलिए 1.5 गिलास दूध मेरा था, 1/2 गिलास पानी था। तो ये ग्राइंड मेरा हो चुका है अच्छे से, अब बिस्किट को बढ़िया से। तो यहाँ पे दोस्तों आप मतलब फ्रूट में कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो, तो लेकिन जैसे कहने का मतलब, पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि जितना सामान डालोगे उतनी टेस्ट बढ़ेगी, तो वही इस फ्रूट केयर की हाल है। तो आप कुछ भी डाल, मतलब जितना टेस्टी, आप जो भी जितना मेहनत करेंगे, जितना आप सामान डालेंगे उतना ही महंगा केक बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरा बिस्किट भी, आप ओरियो बिस्किट कोई भी बिस्किट यूज कर सकते हो। बिस्किट मैंने इसलिए यूज किया, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है ना वेक करने के लिए, तो आप मतलब अच्छे से आपका वेक हो जाएगा अगर कम आपका रहेगा खाने वाला सोडा या इनो या कोई भी, ऐसे आप अगर नहीं डालना चाहते तो भी बिस्किट डाल के आप बना सकते हो केक आराम से। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए रखूँगी इसको ढककर, और आप 2 से 5 मिनट, क्योंकि सूजी है ना, तो यहाँ पर चलिए लगा लेते हैं कढ़ाई में नमक, और कढ़ाई में अच्छे से नमक डाल दिया है दोस्तों, और डालने के बाद उसको ब्राउन किया ना, मतलब लाल होने लगा नमक। और ये देखिए केक पैन आपके पास हो, नहीं कोई भगोना वगैरह हो तो आप उसमें ना नीचे ऑयल लगाकर और थोड़ा सा आटा डालकर अच्छे से उसको कर दीजिए, नहीं तो आप पेपर डाल दीजिएगा कोई भी, मतलब प्लेन वाला जो भी होता है केक पेपर, तो उसमें क्या होता है केक आपका अच्छे से पक जाएगा, वेक हो जाएगा और लगेगा नहीं। दोस्तों मैं थोड़ी शॉर्ट कर दी इसलिए कि मुझे लगा कि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा सामान डाल के टोपा में, और अच्छे से मैंने थपथपी करके, और नमक के ऊपर एक छोटी सी स्टैंड रखी है, और नीचे से गैस की आँच लग रही है। और ये देखिए चक्कू से मैंने देखा कि मेरा केक हो चुका है कि नहीं, जब चक्कू में कुछ नहीं लगा तो मैंने केक निकाल दिया है। और यहाँ पर देखिए जो मैंने फूड कलर वही अच्छे से मेल्ट किया था, तो वो फूड कलर ऊपर लगा दिया है, और ऊपर से मैंने जो एप्पल का गूदा निकाल के रखा था वो लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन करके मुनक्का लगा दिया है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह लगा सकते हो। ये किशमिश है मेरा, तो ये देखिए बच्चों को खाने के लिए, बड़ों को खाने के लिए केक बन के रेडी है, होममेड केक, एप्पल वाला केक। और बताइएगा कैसा लगा, तो यहाँ कट करके मैं आपको दिखाती हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए, और इतना जान लीजिए सूजी था, तो इसलिए 2 गुना दूध या पानी आपको डालना है, तो बहुत अच्छे से वेक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा केक बन के रेडी है दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही जल्दी, और बहुत ही घर की बहुत ही टेस्टी केक। तो बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा इसलिए, थैंक, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नीलू स्वीट किचन को आप लोग सपोर्ट कीजिए और बनाइए केक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।